बताना चाह रहे हैं कि इंटरनलेंट में वो कैसे लॉग इन करेंगे और उनके जो भी सवाल है जो अभी तक हमें पिछले इंटरनलेंट से पता चले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को इस बार आई ए का प्रोसेस करने में कोई भी दिक्कत ना आए सो so, सबसे पहले तो सर आप स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि आई का इंपॉर्टेंस क्या है डियर uh, लर्नर्स uh, जो हमने इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था की है अंडर एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी दिल्ली विश्वविद्यालय ने uh, इस पॉलिसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है एंड विद दिस हम लर्नर uh, के कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड इंटरनल असेसमेंट से उसका जो लर्निंग मोटिवेशन है उसको कहीं ना कहीं एक अपने अलग ही ऊंचाइयों तक लेना चाह ले जाना चाहते हैं जिसमें कि हमारा मेन उद्देश्य है कि छात्र का लर्नर का हर डायरेक्शन से हम एक इवेल्यूशन कर पाए कि किस तरीके की लर्निंग प्रोसेस उसकी चल रही है इससे क्या होगा कि उसका मेन एग्ज़ाम के लिए जो मोटिवेशन है और आ, ज, जो कि प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए वो उसकी तरफ़ जा पाएगा सो so, हमारे यहाँ पे सेवेंटी मार्क्स के आई कंडक्ट होते हैं विच विच गिव्स यू टोटल ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्लस कॉन्टीन्यूस असेसमेंट दोनों तरीक़ों के असेसमेंट हैं और ये मार्क्स आपके फाइनल uh, मार्क्स में भी जुड़ते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आई जरूर अटेम्प्ट करें और हमने एक अच्छा खासा विंडो दिया है ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास पूरा टाइम है हमारा जो साइकिल है वो फोर्थ ऑफ मे से स्टार्ट हो रहा है और ऑफ तक है सो यू हैव अ वेरी लॉन्ग विंडो जिसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रिपरेशन करके लॉग इन करके टेस्ट दे सकते हैं आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत ना है इसके लिए हमने आज का ये सेशन रखा है जिसमें हम आपसे आपसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हर तरीके की पास... इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे सभी लर्नर को कि आपके पास आ, दो अटैम्प्ट होंगे आप एक आ, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें जिसमें आप हैं और उसमें आपके जो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं हर कोर्स के लिए आपके पास दो अटेम्प्ट्स हैं और उन टू अटेम्प्ट्स को लेने में आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्थ ऑफ मे से एटीनथ ऑफ मे तक जो विंडो है आपके सामने और उस विंडो में आपने एक बार अगर अपना टेस्ट ऑन कर लिया दैन दैट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन अटैम्प्ट उसमें कोई भी कन्फ्यूजन अपने साथ ना रखें आ, हमने पोर्टल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आ, उसमें एज यू वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर टेस्ट देन इट्स गोइंग टू बी एन अटैम्प्ट मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप पहले उस टेस्ट को कम्प्लीट करें और अगर आपको लगता है क्योंकि आपको मार्क्स उसके जस्ट बाद सबिशन के बाद दिख जाएंगे अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा टेस्ट देना है तो आप अपनी प्रिपरेशन एक बार फिर से करें और फिर से करने के बाद आप सेकेंड टाइम भी ये को avail, को आप अवेल अवेल आप कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें एक बार टेस्ट आपने अगर शुरू कर दिया है तो आप उसको बीच में डिस्कटिन्यू ना करें नहीं तो आपका वो अटैम्प भी खराब हो जाएगा और आपने पूरा टेस्ट भी नहीं दिया होगा राइट right. और आपके जो दो अटेम्प हैं उसमें से जिसमें भी आपके बेस्ट नंबर होंगे हम वो कंसीडर करेंगे और द स्टूडेंट इंटरेस्ट हमने एक पॉलिसी बनाई है कि आप दो अटैम्प दे सकते हैं और जिस उन दोनों अटैम्प्ट में से जिसमें आपके बेस्ट नंबर आए हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए कंसिडर किए जाएंगे सो so, सबसे पहले हम आपको एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस दिखाते हैं और एक मॉक टेस्ट लेके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं क्या क्या फंक्शनैलिटी है हमारे सिस्टम की जो आप यूज कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले आपको एक लिंक दिया होगा प्रज्ञान पोर्टल का जो आपके पास ई मेल्स के थ्रू भी आएगा और मैसेज के थ्रू भी आएगा जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर हैं

प्लेटफॉर्म जो प्रज्ञान है वो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि स्टूड लर्नर फ्रेंडली है अच्छा आपका एक अपना अकाउंट है हर लर्नर का एक अपना अकाउंट रहेगा जब वो अपने लॉग इन का इस्तेमाल करेगा उसको उसमें डालेगा तभी उसका लॉग इन पेज वहाँ से ओपन होगा दैट्स गोइंग टू बी पोस्ट लॉग इन पेज सो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप अपना मैसेज चेक करें स्कूल ऑफ लर्निंग की तरफ से आपको एक मैसेज आया होगा जो कि उस नंबर पर जिस जिसको आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था अब उस आ, उसमें आपका जो जो रोल नंबर है आ, उसके साथ आपकी यूज़र आई डी वहाँ पर अवेलेबल है जिसके पहले जो आ, दो अंक हैं टू डिजिट्स जो हैं वो आपका ईयर को रिप्रजेंट करते हैं लाइक टू टू हाइफ़न वन हाइफ़न थ्री सिक्स ज़ीरो 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 एट सिक्स इसमें क्या है कि टू टू आपका रिप्रेज़ेंट करता है ईयर को एंड देन हाइफ़न वन वन टेल्स अबाउट द कैंपस कोड इन विच कैंपस यू आर देन हाइफ़न थ्री सिक्स थ्री सिक्स इज गोइंग टू बी लाइक फॉर एन एग्जांपल अ प्रोग्राम कोड इन विच प्रोग्राम यू आर देन हाईफन जीरो ज़ीरो 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 एट सिक्स दैट्स गोइंग टू बी योर रोल नंबर एंड एट द रेट सोल डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन एंड दैट्स गोइंग टू बी योर यूज़र आई डी एंड विद दैट एज यू टू पुट द पासवर्ड ओवर देअ दैन यू विल बी इन द प्र्ञान पोर्टल प्रग्ञान पोर्टल ओपन करने पर आपको वहाँ पर सारे कोर्सेस आपको जिस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आपके कोर्सेज़ हैं वो कोर्सेस दिखना शुरू हो जाएंगे उन कोर्सेस पर क्लिक करके आपकी अगर प्रिप्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो आप उस अपना टेस्ट इंटरनल असमेंट ऑन कर सकते हैं uh, अगर आपने पहले भी प्रज्ञान पोर्टल का पिछले इंटरनल असेसमेंट में इस्तेमाल किया है तो पासवर्ड वो होगा जो आपने लास्ट टाइम सेट किया था अगर आप पहली बार प्रज्ञान पोर्टल पर आ रहे हैं तो आपका आई डी जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया और पासवर्ड एक डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा जो आपको मैसेज के थ्रू आएगा आपको उसी से लॉग इन करके एंटर करना है सो so, यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन आप देख सकते हैं मैंने एक यूजर नेम और पासवर्ड डाल रखा है विच इज़ प्री सेव्ड इन माई सिस्टम मैं जैसे इसे सबमिट करूंगी सो आई विल एंड अप

लॉन्च बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक नया विंडो आपको इस तरीके से दिखा रहा है जिसमें आपको पूछ रहा है दिस इज द कंटेंट विंडो कंटेंट विंडो पे आपको आ, कुछ डिटेल्स दिखा रहा है जो मेरे कंटेंट विंडो पे है वो थोड़े अलग डिटेल्स हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं आपने अगर कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको बेसिकली फोकस करना है स्टार्ट असेसमेंट बटन पर द मोमेंट आप स्टार्ट असेसमेंट बटन क्लिक करेंगे एक छोटा सा कंटेंट प्लेयर खुलेगा जिसमें आपका असेसमेंट लॉन्च हो जाएगा

अगर आपने बहुत मुश्किल नहीं है दिस दीज आर द वेरी कॉमन इंस्ट्रक्शंस बहुत आसान भाषा में लिखे हुए हैं आ, आ, आशा जी ये इंग्लिश में सारा रहेगा यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारे इंग्लिश में हैं तो आप उसको आराम से देख सकते हैं कि आ, हर बटन का कलर कोड है उस कलर कोड का मतलब क्या है उसको देखते हुए ही आप अपने रिस्पॉन्स को सबमिट

उसके बाद कलर कोड ग्रीन यानी कि आपने क्वेश्चन का कुछ आंसर दे दिया है। उसके बाद आंसर देने के बाद आपने सेव एंड सबमिट किया तभी कलर कोड ग्रीन होता है उसके बाद अगर आपके पास पर्पल कलर का कोड आता है जिसमें आपने या तो आंसर नहीं दिया है या आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है सो दैट बिकम्स पर्पल

सो so, यहाँ पे मैं इन इंस्ट्रक्शंस को रीड टिक करती हूँ और मैं आई एम रेडी फॉर द टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कंसेंट ली गई है उसके बाद में ही आपको आगे प्रोसीड करने का मौका मिला है तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो एग्जाम से पहले दिए गए हैं उनको ठीक से पढ़ें। अब आप देख सकते हैं कि कितना ही सिंपल प्लेटफॉर्म है आपके यहाँ पर एक कंटेंट प्लेयर है जहाँ पे आपका क्वेश्चन और ऑप्शंस आ रहे हैं ऑप्शन के साथ ये जो रेडियो बटन है इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं राइट right? उसके सिवा आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ आपका यूजर नेम आएगा यहाँ फिर से एक बार कलर कोडिंग दी है ताकि आपको आसानी रहे समझने में आपको बार बार इंस्ट्रक्शन की तरफ ना जाना पड़े किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को अवॉइड किया गया है अब आप देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रेड है क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ पर अभी मैंने आंसर नहीं दिया है और मेरे टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन जो है वो सारे ग्रे हैं बिकॉज मैं उन पर अभी गई ही नहीं अच्छा जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए sure, क्या होता है जस्ट इफ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी मैंने पहला अटेम्प नहीं किया इसलिए वो रेड ही है अब मैंने दूसरा भी पढ़ लिया और सिंस मैंने कोई आंसर नहीं दिया तो ये भी रेड हो गया है एक और चीज आपकी स्क्रीन के नीचे लो, आप देखेंगे लोअर बॉटम में देर आर अ फ्यू बटन पहला बटन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का आंसर मैं लगा देती हूँ बी और मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे अभी इस आंसर को कन्फर्मेशन नहीं है या मुझे एक बार विजिट करना है सिंस मेरे पास सिर्फ पांच क्वेश्चन है तो आगे पीछे जाना बहुत आसान है लेकिन आपके में पैंतीस क्वेश्चन होंगे तो ये बटन आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के लिए आप अनश्योर हैं आप बाद एक पर उस पर आना चाहते हैं तो उसको खाली छोड़ने की जगह आप प्लीज उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए ताकि आपका जो भी आंसर है एक बार वो सेव हो चुका है उसके बाद दूसरा है क्लियर रिस्पॉन्स सपोज आपने किसी क्वेश्चन का जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन पर ही जाती हूँ मैंने मार्क कर रखा है और आप चाहें तो क्लियर रिस्पॉन्स क्लियर कर सकते हैं और वैसे अगर आपने आंसर मार्क कर रखा है आप जैसे दूसरा आंसर सेलेक्ट करेंगे तो भी वो बटन अपने आप ऑफ हो जाएगा तीसरा है प्रीवियस तो ये बटन आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने के लिए मदद करता है वो आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है लास्ट बटन इज सेव एंड नेक्स्ट तो सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन था मैंने इसका आंसर मार्क किया और मैं श्योर हूँ कि आंसर सही है तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट दबा दूंगी तो जिस भी क्वेश्चन के लिए आप बहुत श्योर हैं मैं सजेस्ट करूंगी आप सेव एंड नेक्स्ट करें उसको रिव्यू के लिए मार्क ना करें क्योंकि टाइम लिमिटेड है ठीक है आपके पास सिर्फ आप यहाँ देख सकते हैं एक टाइमर क्लॉक है जो आपका टाइम एग्जाम टाइम को यहाँ शो कर रहा है कि कितना टाइम आपके पास बचा है नाव फॉर दिस क्वेश्चन मान लीजिए मैं इसको नहीं मार्क कर रही हूँ सो एल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज थर्ड क्वेश्चन और मैं इसको कुछ मार्क करके मार्क् फॉर रिव्यू रख रही हूँ फिर फोर्थ क्वेश्चन का मैं आंसर मार्क कर रही हूँ सेव कर रही हूँ और लास्ट क्वेश्चन का भी मैं आंसर मार्क कर रही हूँ सेव कर रही हूँ सो नाउ आई एम डन राइट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर कोडिंग है कि मैंने तीन क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया है एक क्वेश्चन का मैंने कुछ भी आंसर नहीं दिया और एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू तो मैं इसको रिविजिट कर सकती हूँ और रिविजिट करने के लिए आप यहीं से क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और सीधा उस क्वेश्चन पे पहुंच जाइए अब यहाँ पे फर्दर अपना आंसर मार्क कीजिए जब आप उसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये ग्रीन होना ही इज गुड फॉर यू अब लाइक थर्ड क्वेश्चन मैं आती हूँ और मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर मार्क कर देती हूँ और हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे पांचों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए लर्नर्स को ये बताना चाहूंगा कि ग्रीन सिंबल वहाँ पे आने के बाद

जैसे ही मैं सबमिट करूँगी मेरे पास एक असेसमेंट समरी आएगी ये अगेन एक चेक स्क्रीन है जो यूज़र के लिए है जो यूज़र को बता रही है कि इतने टोटल क्वेश्चंस थे आपने इतने आंसर कर दिए इतने छोड़ दिए आपको एक पूरी समरी दे दी ओवरऑल अगर आप अभी भी श्योर नहीं है कि मुझे कुछ गड़बड़ है मुझे पीछे जाना है तो आप यहाँ से नो क्लिक कीजिए

okay so again i yeah uh, i just want to tell about the section name a number of questions answered not answered marked for review and answered and marked for review will also be evaluated that's also there and uh, not visited so you can see here all options are available uh, under the tabs

न सी आपसे पूछ रहा है कि आपके जो रिस्पॉन्स है उनको ग्रेड किया जाएगा असेसमेंट को सबमिट हो गया है सो इट गिव्स यू मैसेज कि आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो गया है नाउ आई प्रेस ओके और अब हाँ से सिंस मेरे कंटेंट का प्लेयर का काम खत्म है मैं यहाँ से एग्जिट असेसमेंट करती हूँ एग्जिट असेसमेंट करके आई कम टू द प्रीवियस विंडो इस प्रीवियस विंडो में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने कौन सा असेसमेंट दे दिया है यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 99 नाइन अटेम्प है जिसमें से मैंने फोर दे दिए हैं आपके पास टू अटेंस हैं मैक्सिमम अटेंस टू हैं अगर आपके टू बाय टू हो गए हैं तो आप और अटेम्प्ट नहीं देंगे आशा जी यहां पर बता लर्नर्स को ये बहुत क्लियरली कहा जा रहा है यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंस जस्ट टू यहां क्योंकि ये मॉक टेस्ट था इसलिए ये 99 दिख रहा है आपको जब आप रियल टेस्ट एनवायरनमेंट में होंगे तो आपको यहाँ पर टू दिखेगा यहाँ पर आपने जो भी अटैम्प्ट लिया होगा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो फर्स्ट दिखेगा अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट तो सेकंड अटैम्प्ट दिखेगा बट आपके पास मल्टीपल चांसेस नहीं होंगे उसके बाद दो से ज़्यादा चांसेस आपको नहीं दिए जाएंगे ये yes, सर hmm. और फर्दर अगर आपको अपना स्कोर देखना है तो आपको यहाँ ये यह प्लस का बटन दिख रहा है एक स्मॉल प्लस का सिंबल विच यू हैव टू क्लिक

ये पूरा प्रोसेस है अब इस कंटेंट विंडो से से बाहर निकलने के लिए आप यहां से इसे एग्जिट कर दीजिए एग्जिट करने के बाद आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे जिसमें यहां आपको राइट हैंड साइड एक लॉग आउट का बटन मिलेगा जिससे हम लॉगआउट कर सकते हैं तो ये पूरा प्रोसेस है आपकी प्रज्ञान पोर्टल का नाउ फर्दर

फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन जहाँ से आपने प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उस समय इस्तेमाल किया था उस उस फ़ोन नंबर का आप इनबॉक्स जिसमें कि आपके या जो मैसेज बॉक्स है उसको आप जरूर चेक करें उसमें एस की तरफ से एक आपको मैसेज आया होगा उसमें आपके सारे लॉग इन कंटेंश दिए गए हैं आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड उसमें क्लियरली मैंशन होगा जी और अगर इस तरीके का मैसेज आपको मिसिंग लगता है किसी कारणवश आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है या कोई भी रीज़न इसके आ, साथ हो सकता है तो उस सिचुएशन में मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं हमारे नोटिफिकेशन में जो कि हमारे वेबसाइट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर अवेलेबल है आप उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करिए हम यहाँ से फोन के थ्रू आपको असिस्ट करने की कोशिश करेंगे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंटरनल असमेंट के लिए डेडिकेटेड ईमेल्स क्रिएट किए गए ई मेल आई डीज पर जाकर अगर आप पूरा अपना रिप्रजेंटेशन देंगे हम आपको लॉग इन में देने में मदद करेंगे इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो रहेगा कि आप हमारे कैंपस में जो क्वेरी विंडोज़ बनी हुई हैं जहाँ पर हमें हमारे एजेंट्स वो आपके साथ असिस्टेंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे आप अपने डिटेल्स को बताएंगे अपने प्रूफ देंगे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यू कैन शो योर आई डी कार्ड्स ऑल्सो विद डैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड योर लॉग इन कैटेंशियल तो ये ये थ्री स्टेप प्रोसेस रहेगा बट कोई भी लर्नर अपने आप को अगर लॉग इन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से तो अपने आप को एकदम से असहज और परेशान महसूस नहीं करना है क्योंकि इंटरनल असेसमेंट हम आपको आ, फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने की एक प्रक्रिया है और जैसा कि एन 2020 में हमारा मेन उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल एम है हमारा कि हम आपको ट्रू नॉलेज थ्रू ओडियल सिस्टम जो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है जिसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग आपको ये शिक्षा आप तक पहुंचा रहा है तो आपकी जो लर्निंग है वो ऑन द ट्रू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर हो दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन और आपको वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ लर्निंग मिले जिससे कि आप अपने नॉलेज को इवैल्यूएट कर पाएँ डिस्टेंस एजुकेशन में आने से आप अपने कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करते हैं आप अपने लर्निंग एनवायरमेंट को अपने कंफर्टेबल टाइम जोन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये टेस्ट आप रात को बारह बजे भी दे सकते हैं आप दिन में भी दे सकते हैं तो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जी आशो एग्जैक्टली सो दिस इंटरनल असेसमेंट इसको पोर्टल पे ले जाके लेने का एक मेन मकसद यही है कि आप कहीं से कभी भी लर्न कीजिए कहीं से कभी भी इवाल्युएशन दीजिए फर्दर अगर आपके पास मान लीजिए कि आईडी है और आप अपना पासवर्ड भूल रहे हैं तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे फोगाट पासवर्ड का एक लिंक है जिसपे क्लिक करने पर आपके रजिस्टर्ड ई मेल पे पासवर्ड की डिटेल्स पहुंच जाएंगी अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लॉग कीजिए आप कोशिश ये कीजिए कि आप पहले ही कुछ दिनों में लॉग इन करके एटलीस्ट चेक कर लीजिए कि आपका लॉग इन ठीक चल रहा है किसी भी दिक्कत की वजह से आप हमें कॉल कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमसे फिजिकली मिल सकते हैं हमारी सभी कॉल और ईमेल की क्वेरीज विद इन वन वर्किंग डेज सॉर्ट आउट हो जाती हैं एक और सवाल था सर बच मतलब बच्चों का ये सवाल था कि जो एम सी क्यू असेसमेंट है उसका टाइमिंग क्या है एम सी क्यू जो असेसमेंट है क्योंकि मैं हमने जैसे कि आपको डेट्स दी हैं फोर्थ ऑफ मई से एटीन ऑफ मई तक आपका पो, पोर्टल आप यू जी इंटरनल असेसमेंट के लिए डेडिकेट डेडिकेटेड टाइम जोन में ऑन रहेगा तो आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उस एग्जाम को ले सकते हैं दैट इज़ योर कंफर्टेबिलिटी इसमें एग्जाम देने का जो जो अटेम्प्ट शुरू करने का जो है वो यूज़र्स चॉइस या लर्नर्स चॉइस होगा लेकिन जब आप एक बार अपना एग्ज़ाम में लॉग इन कर लेते हैं यू यू गोइंग टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम सो एट दैट टाइम हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा जो रहेगा फोर्टी फाइव मिनट्स का रहेगा फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए हमारा यूज़र एग्ज़ाम दे क्योंकि उसमें आपको सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा लेकिन अगर वो हमारे कुछ लर्नर्स ऐसे भी हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पी कैंडिडेट्स को भी कैटर करता है एंड वहाँ पर देखा गया है जो टू सम रीजन्स दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एट दैट पेस तो उस केस में स्पेशली एबल्ड uh, uh, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हम एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं दैट्स नाइन्टी मिनट्स टाइम विंडो सो ये ये फोर्टी फाइव मिनट्स एंड नाइन्टी मिनट्स का जो जो स्लॉट्स हैं एज़ पर दैटेगरी इन विच दे हैव गॉड एंड रोल उस बेसिस पर उनको अलाउड रहेगी आपका टाइम हमेशा आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि आपके असेसमेंट का कितना टाइम हो चुका है कितना टाइम पेंडिंग है मान लीजिए कि आप ब्राउजर में असेसमेंट खोलते हैं ब्राउजर खोलने के बाद आप किसी और ब्राउजर पे या आप इधर उधर चले जाते हैं तो असेसमेंट का टाइम कॉन्टिन्यूसली कम होता रहेगा असेसमेंट पाउस नहीं होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे यूजर्स को लगता है कि आपने असेसमेंट ब्राउजर मिनिमाइज करा तो असेसमेंट रुक गया है ऐसा नहीं है असेसमेंट टाइम विल कीप ऑन मूविंग सो so, अगर एक बार मैंने जैसा पहले भी बोला कि आपने लॉगिन करने के बाद अपने आप आपने अपने प्रोग्राम में जो भी अलाउड कोर्सेज थे जिनके लिए आपने वो प्रोग्राम ऑप्ट किया हुआ है सेमेस्टर जो भी आपका है सेकेंड एंड फोर्थ जिस किसी भी सेमेस्टर में आप हैं उसमें कुछ अलाउड कोर्सेज थे उन कोर्सेज में आप इनरोल्ड थे आपको जैसे ही कोई टेस्ट आप लेना शुरू करते टेस्ट लेने से मेरा मतलब है कि आपने टेस्ट बटन पर क्लिक कर दिया है एंड स्टार्ट असमेंट बटन भी आपके सामने अपीयर हो गया उस पर भी आपने क्लिक कर दिया है देन योर टाइम टाइमर इज़ ऑन सो उस टाइमर को हम कभी भी बीच में पॉज नहीं कर सकते हैं वंस इट दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेन फेस टू फेस लर्निंग में uh, कोई भी लर्नर एग्जाम देने जाता है तो वंस ही और शी हैज़ एंटर्ड इन द क्लासरूम उसके बाद उसको बाहर आना अलाउड नहीं होता है सो so इन entered वे a इन द डिजिटल एग्जाम यू out नॉट कम आउट sir बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम सजेस्ट करते हैं MCQ देने के लिए अपने आई के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में मैं एक यही कहूँगा कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि बीच में कोई बाधा ना पहुंचे उसका uh, मे बी मोर देन ट्वेंटी एम बी एम बी पी एस इफ़ इट इज गोइंग टू बी दैट दैट गोइंग टू बी टोटली लाइक यूजर्स चॉइस कि कितना मैक्सिमम तक जा सकता है और यही कहूँगा कि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें लेकिन अगर आपके पास सेल फोन है फिर सेल फोन पर सेकेंड ऑप्शन में जाएँ प्रेफरेबली यू शुड बी ऑन द पर्सनल कंप्यूटर्स सो दैट प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सेबल वेरी इजिली एक्टली अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप hmm. की सुविधा है उसका मैं यहाँ पर सभी लर्नर्स को बताना चाहूंगा आजकल सेल फोन में बहुत सारे वेरियंट्स हैं लाइक वॉट एवर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो किसी सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म के साथ अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ थोड़ी सी बाधा हो सकती है बट उसके रिगार्डिंग भी अगर आप अपने हमें फ़ोन कॉल्स करेंगे आप अपडेट फोन के अपडेट्स के साथ हो सकता है कि हम उसी पर आपका एग्जाम कंडक्ट करा पाए एक्जैक्टली पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत मेहनत है आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन बहुत मेन डेटरी है ऑल्सो सर बच्चे जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम चल रहा है और किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उनका एग्जाम लॉग आउट हो जाता है तो फिर उस असेसमेंट का क्या होगा और डियर लर्नर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एग्ज़ाम अपनी एक सेंटिटी मेंटेन करता है अदरवाइज उस एग्ज़ामिनेशन का जो प्रक्रिया है उस वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है तो मैं सभी से ये चाहूँगा कि आप अपने एग्जाम में जो एग्जामिनेशन सेंटिटी है उसको ज़रूर मेंटेन करें तो उसको मेंटेन करने में यही है कि अगर आ, कोई टेक्निकल ग्लिच आती है और किसी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं आपका लॉग इन नहीं हो पा रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका एग्ज़ाम देते देते अचानक से इंटरनेट की वजह से या किसी और रीजन से पावर कट मैनी इशूज़ कैन बी देर उसकी वजह से अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस केस में आप हमें तुरंत ही ऑन द सेम डे आप हमें जी पी एस स्टाम्प्ड पिक्चर लेते हुए कुछ प्रूफ्स फोटोग्राफ्स के साथ एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल करें वो आपको जो हमारा इंटरनल असेसमेंट नोटिफिकेशन है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है वहाँ पर आपको प्रॉपर ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड किए गए उन पर आप अपना रिप्रेजेंटेशन दें और उसी से हम आपके इस किसी भी ग्लिच को दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन हाँ मैं सभी लर्नर्स से कहना चाहूँगा आप पोस्ट वन डे लाइक द डे ऑफ द एग्जाम जिस दिन आपने लिया क्योंकि हम इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अपनी प्रज्ञान टीम टेक्निकल टीम को भेजेंगे एज वी आर गोइंग टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम देयर, वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक इट जैसे ही आप प्रज्ञान प्रज्ञान में लॉगिन करते हैं आपके आ, ब्राउजर के डिटेल्स हम हाँ, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के पास होते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटिटी मेंटेन करने के लिए वो टेक्निकल टीम हमें क्लियरेंस देगी एंड उसके साथ ही हम उस लर्नर की जो भी समस्या हुई है जिसकी वजह से उसका एग्जाम नहीं हो पाया उसको हम एड्रेस करेंगे लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम किसी कारण नहीं हो पाया आप अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें Uh, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन सेंटिटी को ज़रूर मेंटेन रखना है उसमें प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी अनफेयर मींस दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट टू तो एसेस फॉर यू अपने uh, ओन क्रेडेंशियल्स को uh, आप चेक कर पाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम जो आपका मेन एग्ज़ाम फाइनल एग्जाम जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स एलोकेटेड सेंटर्स पर फिजिकल मोड में होगा आप उन पर जाए सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि जब आप हमें मेल कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हमें कम से कम एक से दो वर्किंग डेज लगेंगे आपकी क्वेरी को रिव्यू करने में स्पेशली ऐसी क्वेरी जिसमें आप बता रहे हैं कि आपका ब्राउजर की कुछ प्रॉब्लम हो गई है या एग्जाम रुक गया है बिकॉज हमारे पास एक एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू तो हम आपके क्लेम को वेरीफाई करेंगे We have a जो आप दिया है तो ऑल्सोस्ट जब भी हमें मेल करते हैं आप अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर उसमें जरूर डालें जिसके थ्रू हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें अच्छा जी इसमें और एक चीज में और एड करना चाहूँगा आप अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आफ्टर after... टेकिंग दैट एग्ज़ाम टू थ्री डेज अगर आप मुझे दे रहे हैं यहाँ इंस्टीट्यूशन को भेज रहे हैं उनको हम इंटरटेन uh, नहीं करेंगे दैट शोज़ uh, कि एग्ज़ाम uh, लेते समय जो समस्या आई है उससे आपने फिर uh, जो प्रभावित हुए हैं आप आपने अप्रोच करने का Uh, कोशिश ही नहीं की थी एग्जैक्टली exactly. uh, हम आपके सीरियसनेस भी एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी पेपर को लेकर अगर आपका कोई भी एग्जाम कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज सीरियसली आप तभी के तभी रिपोर्ट कीजिए वी आर हेयर टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स राइट और ऑल्सो आई वुड से कि हमारी हेल्पलाइन नंबर जरूरी नहीं है कि हमेशा रीचेबल हो बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स कॉलिंग अस तो आप हमारा ईमेल आई पर भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं भेज सकते जे. हैं आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ जी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ऑफिस हॉल्स में ही हेल्पलाइन नंबर्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल अगर आप एग्ज़ाम uh, रात में ले रहे हैं अदर दिन द ऑफिस हॉल 9:30 थर्टी टू फाइव थर्टी के बियॉन्ड जो टाइम जोन है उसमें अगर आप अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हैव अ पेशेंस ईधर जो स्कॉल नेक्स्ट डे फॉर योर क्वेरी अदर देन द टेक्निकल ग्लिचेस टेक्निकल ग्लिच को तो आपको ई के थ्रू तुरंत ही रिपोर्ट करना है और अगर इस टाइम जोन के बियॉन्ड आप हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और कोई क्वेरी को रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो आप हमें ई करें ईमेल हो सकता है कि रात में भी आपको जो हमारे बैकग्राउंड uh, टीम है वो हो सकता है रात में भी आपको रिवर्ट करें एग्जैक्टली सो ई हम क्वान्य मॉनिटरिंग में रख रहे हैं इनफैक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं ऑल्सो देर आर अ फ्यू क्वेश्चन कि सपोज मतलब वट विल हैपन कि अगर बेसिकली uh, एग्जाम में क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि कोई किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो सके ए, पेपर लीकेज एंड ऑल क्या आशा जी मैं यहाँ पर सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि आप Uh, आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो सिंगल डिवाइस में uh, एक बार लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट डिवाइस में लॉगिन आप नहीं कर पाएंगे तो उसका प्रयास कोई भी ना करे। और इसमें हमने एग्जामिनेशन सेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जिसको आशा जी ने अभी बोला कि कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ देयर एंड दैट सिस्टम इज़ मॉनिटरिंग फॉर अनफेयर मीन्स लाइक अगर आप uh, किसी को ब्राउजर, स्क्रीन शेयर ब्राउजर, ब्राउजर, ब्राउजर को ब्राउज़र को छोड़ रहे हैं बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं अगर किसी भी केस में ऐसा फाइंडिंग्स रहीं तो हम हमें आ, उसको अनफेयर मीन्स में डालना होगा तो इसीलिए मेरी हर लर्नर से बिकॉज आप बहुत अच्छे से हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में लर्निंग कर रहे हैं हमारी आप एक आदर्श स्टूडेंट हैं तो मैं मान के चलता हूँ आप कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अपेयर होंगे और ये एग्जाम एग्जाम कोई आपका भविष्य तय नहीं करता है एग्जाम केवल ये सुनिश्चित करता है आपकी लर्निंग एक मार्क आपको देता है कि जहाँ यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर मोर एंड दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी इट गिव्स वे इन विच यू आर गोइंग टू फिनिश द होल लर्निंग प्रोसेस इन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू नो किसी को ग्रेड किया जाता है क्या इसमें कोई होता है मैं सभी लर्नर को बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी हमने आपकी जो टीचिंग हुई है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो भी आपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ा है ये थोड़ा जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा यहाँ पर आ, इस प्रश्न को आंसर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो जो एडमिशन लिया है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में लिया है जहाँ पर हम ओडियल मोड में लर्नर्स को शिक्षा डिलीवर कर रहे हैं ओडियल क्या है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में आ, आने पर की लर्निंग है वो फेस टू फेस आपकी लर्निंग नहीं होती है यहाँ पर डिस्टेंस है बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर इंस्ट्रक्टर एंड इस गैप को हम मॉडर्न आईटी टूल्स एंड एसएलएम से फुलफिल करते हैं जो एसएलएम आपका लिखा गया है सेल्फ लर्निंग मटेरियल ये आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है लेकिन 2000 फाइव ऑनवर्ड्स जो हमारे आईटी टी रेवोल्यूशन संचार क्रांति जो भारत में आई है वो बहुत ही फायदेमंद है इवन पोस्ट कोविड पैंडमिक में जो हमने टूल्स डेवलप किए उसको, उसको आ, फेस करने में उन कंस्ट्रेंट्स में हमने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन इन दोनों फैक्टर्स के कारण बहुत आसानी से सभी को अवेलेबल होना शुरू हो गया और इन दोनों आस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आ, आ, जो मॉडर्न टूल्स हैं उनको हमने ओ में डाला हुआ है अब बात आती है कि लर्निंग uh, तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप पढ़ते हैं उससे अपनी प्रिपरेशन करते हैं साथ में इन एग्ज़ाम्स को इंटरनल असेसमेंट को एंड द फाइनल एग्ज़ाम्स विच आर गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस इंटरनल असेसमेंट उन दोनों की प्रिपरेशन के लिए हमने रिविज़न क्लासेस को ऑन कर रखा है एंड रिविज़न क्लासेस आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू लॉग इन करने पर आपको लाइव जब भी जो भी शेड्यूल है वो हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है शेड्यूल आप वहाँ से देख कर अपने रिविज़न क्लासेस को अटेंड uh, अटेंड कर सकते हैं उन क्लासेस को अगर आप किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए हों तो आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं क्योंकि हम सारे उन क्लासेस को यूट्यूब चैनल्स पर क्योंकि हर प्रोग्राम में के लिए हमने ईयर वाइज हमने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए हैं एंड जिसमें कि आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हैं और तो इसका मतलब है आप फर्स्ट ईयर वाला जो आपका चैनल होगा उस प्रोग्राम का उसमें जाकर आप अपने उन क्लासेस को ले सकते हैं इन सारे माध्यम से क्योंकि सेल्फ लर्निंग मटेरियल है साथ में रिवीजन क्लासेस हैं इन सबको तैयारी करने के बाद आप इंटरनल असेसमेंट के लिए अपने आप को परिपक्व को पाएंगे अपने आप की तैयारी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट जोन में पाएंगे अब बात आती है कि एग्जामिनेशन जो जो पैटर्न है जो जैसे हम इंटरनल असेसमेंट अपने प्रज्ञान पोर्टल पर ले रहे हैं इसके लिए हमारे उन्हीं टीचर्स ने जिन्होंने आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड रिवीजन क्लासेस ली हैं उन्होंने उन आपकी लर्नर साइकोलॉजी के साथ अंडरस्टैंड करते हुए जो कि दूरस्थ शिक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एजुकेशन में ऑलवेज वी गो विद द लर्नर साइकोलॉजी एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एसेस अवर स्टूडेंट्स and uh, uh, to uh, make those question uh, papers we created a kind of question bank pool of questions so these questions are going to appear in a random mode so uh, uh, learners uh, one learner as he is going to have a set of questions he is going to get the complete fragrance of the syllabus so uh, one evolution process is going on then next user is going to get another pool of questions so

आप हमेशा मैं ये एज एन एक्डमिक कोऑर्डिनेटर कहना चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को बियॉन्ड दैट लिमिट ज़रूर पढ़ें वो आपको आपके रिसर्च जोन में लेकर जाता है और आपको और मेच्योर बनाता है ठीक है एस एल एम इज़ अ मिनिमम नॉलेज विच वो गेन होते लेकिन उससे भी बियॉन्ड क्योंकि इसीलिए एस एल एम्स में रेफरेंसेज दिए होते हैं और दिस डिपेंड्स ओनली अप टू द स्टूडेंट्स चॉइस कि वो कितना उस सब्जेक्ट में डीपली जाना चाहते हैं। एक्जैक्टली exactly. और एज ए टीचर एज एन एकेडमिशन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप रिविज़न क्लासेज हैं आपके यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी क्लासेज रिकॉर्डेड भी हैं तो आप रिविजन क्लासेज लेने के बाद कोशिश कीजिए कि दो से तीन दिन में आप एग्जाम अटैम्प्ट करें क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि रिविज़न क्लासेज आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करें फॉर योर आई एज वेल एज फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम तो आप लास्ट मोमेंट्स का वेट मत करें कि सिस्टम पर आप लास्ट मोमेंट में लॉग इन करेंगे तब आप परेशान होंगे इत रादर दैन आप शुरू में लॉग इन कीजिए आप एक अटैम्प्ट दीजिए आप फेमिलराइज हो जाइए और जितने भी हमारे असेसमेंट है इनका डिफिकल्टी लेवल हर स्टूडेंट के लिए सेम आएगा बट द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रैंडमाइज सो वी हैव मेंटेन दिस प्रोसेस वी हैव अ प्रोसेस टू मेक सच क्वेश्चन सो दैट डिफिकल्टी लेवल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सेम बट द क्वेश्चन बिकम रियली डिफरेंट फॉर ईच यूजर ताकि हमारे एग्जाम की लीकेज और ये जो सेंसिटिव इशूज हैं ये जी. ना क्रिएट हों ऑल्सो आपको हम फिर से रिक्वेस्ट करें कि लास्ट मोमेंट हासिल नहीं करने हैं जितना हो सके आप स्टार्ट आपकी एक बहुत बड़ी विंडो है फोर्थ मे टू एटीन ऑफ मे ट्वेल्व ओ क्लॉक नाइट यू हैवेज विंडो टू अटेम्प्ट टेस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर कोर्सेज एज पर योर प्रिपरेशन जैसे आपकी प्रिपरेशन है प्लीज स्टार्ट कीजिए ऑल्सो सर वन मोर क्वेश्चन इंटरनल असेसमेंट की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इंटरनल uh, असेसमेंट की uh, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर जाएं वहाँ पर पूरा उसके बारे में डिस्कशन uh, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे यूट्यूब uh, uh, वीडियोज़ वहां पर आपको अवेलेबल रहेंगे हम जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जो ईमेल्स दिए गए हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं तो हम आपके साथ हर कदम पर खड़े हुए हैं आप बिल्कुल भी पैनिक जोन में ना जाएं, हम आपकी 100% परसेंट इंटरनल असमेंट प्रोसेस को आपके लिए सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे

यहाँ पर तो वो डिसीजन आपको वाया प्रॉपर चैनल्स इन्फॉर्म किया जाएगा लास्ट टाइम में काफी ऐसा हुआ है कि और बिल्कुल लर्नर्स इस चीज का आशर जी ने जैसा मेंशन किया उसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि हम आपको अगर कोई भी डेट एक्सटेंड होती है और कोई टाइम जोन चेंज होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन है हम आपको मैसेज पर ज़रूर पोस्ट करेंगे और मैसेजेस एंड ईमेल्स के थ्रू आपके पास वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ज़रूर पहुंचेगी अदरवाइज हम कोई इस तरीके का अगर चेंज करते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस पर बिल्कुल भी रिलाई ना करें एक्जैक्टली exactly. किसी भी हॉक्स न्यूज़ किसी भी फेक चैनल पर ना जाए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे ई मेल आई संपर्क करें हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें आप फिजिकली वेलकम है लेकिन प्लीज़ डू तो नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ मिस काइंडेशन आज की डेट में बहुत सारे फेक यूट्यूब चैनल्स इसके लिए बन जाते हैं और उस तरीके की कहीं ना कहीं जो मिसकनसप्शन भ्रांतियाँ समाज में फैलती हैं